is the Rai Chund house. और ये चांदनी चौक. फ्रीजर में आ गई हूँ मैं. Look at her eyes. She is falling. हम बुद्ध को मार देंगे. तुम्हें हनुमान चालीसा तो आती हो. I was telling all of them about Mumbai culture. Sugar ke nashe karte hain. Giving Korean vibe. Italians ne hame tapri wali chai pila di. Harami kabutar hote hain aake. Kuch 15,000. Not sad. Or happy. Hi everyone, welcome to new vlog. I am back in Glasgow, Edinburgh. में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे अपने बर्थडे के लिए. बट आज शाम को ऐसे गेट टुगेदर टाइप का है एंड वी नीड टू गो टू ग्रोसरी शॉपिंग ऑल्सो. Tikal wants to go with us. She thinks we are going for a walk or something. Look at her pooch. But we are going for grocery shopping, baba. अरे अरे ओले बच्चा. अच्छा तो गुड ट्रीट देता हूं. Wow, look at that. मुझे पता नहीं था कि इसको म्यूरल्स कहते हैं. विच आर बिग वॉल आर्ट्स. दीज टू लुक एट दैट. देर इज ऑल्सो वन. बाय द वे वी केम टू मॉरिशंस फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग. वी आर इनसाइड मॉरिशंस. फ्रूट्स ले रहे हैं. मैंने कभी रास्बेरी खाई नहीं है. ये तो मैं खाऊंगी. मैंने फ्रोजन खाया है पता है. ये वाला नहीं खाया मैंने कभी. द साइज ऑफ देम. दे लुक सो नाइस. हाउ मच इज दिस फॉर? 3-5 पाउंड्स. 2.15 फॉर वन एंड देन 3-5. तो लेट्स टेक 3 ना. व्हेन एनीवे आई ईट अ लॉट ऑफ चेरीज. अंदर बहुत ठंड लग रही है मुझे. सब कुछ रेफ्रिजरेटेड ऐसा लग रहा है. फ्रीजर में आ गई हूँ मैं. दे आर सेलिंग फ्रोजन पिज्जा. लुक एट दिस गाइस. मैं इज अ हॉगवर्ट्स केक फॉर 1400 रुपीस. आई एम अमेज्ड बाय दिस स्टोर. आई एम गेटिंग दिस फॉर ट्रिकल. मैंने उसका नाम रखा है ट्रिकू. प्यार से ट्रिकू बुलाती हूँ मैं उसको. द अमाउंट ऑफ रेडी टू मेक मील्स दे हैव is insane. This is his section basically. This is your survival zone. कैसा लग रहा है आपको आपके घर वापस आके? You just come here, spend 15 minutes scanning and pick whatever you like, and then you go home, na? उस तरफ तो जाते ही नहीं. Look at our cart. क्या है ये? Guys, हम लोग self checkout करने आ गए. This is so cool. Hi. You're looking at the barcode पीछे. We are back home and these are all the stuff that we got. This is our mini haul. It's not mini, but all of this costed us 3700 rupees. I'm so excited to try. ये जो berries होती है ना, ये वाली berry और एक wild berry भी लेके आए हम लोग. ये blackberry. ये and we got these rotis. So यहाँ पे लोग ऐसे roti को बना के रखते. You just have to bake them. But most of the Indians, I think, prefer this now. यहाँ पे जो रहते हैं. Sit, sit, sit. Wait, Trickle. उसको कितना excitement है खाने के लिए. Come here, Trickle, Trickle. Yes, Trickle. Good girl. Good stuff. Ready for the barbecue house party? मैंने आज Indian पहना है to represent इंडियन कल्चर. झुमके डाल लिए मैंने. परीक्षित बोल रहा था कि ज़्यादा ऐसा कुछ रेडी मत होना क्योंकि इन लोग भी इतना कुछ रेडी नहीं होते हैं. जस्ट कीप इट वेरी सिंपल. एंड आई वाज लाइक यस, आई एम गोइंग कीप इट सिंपल बट विद इंडियन टच. सो लीजा मेड बोर्श. व्हाट इज दिस लीजा? इट्स अ वीगन फूड. ओके, इट्स यूक्रेनियन. इट लुक्स नाइस. एंड वी हैव टू ईट इट विद ब्रेड. I'm Margaret. Happily retired. I was a GP. Three children and a dog. That's so sweet. Margaret is Alva's sister. And there's Alva standing there listening to Margaret. So we are having a barbecue, having a really great time. I was telling all of them about Mumbai culture and everything. Aur wahan pe sab setup jama hua hai bahar. We are having Ukrainian food, lot of food. There's Lisa. Oh, hello. आर रेडी. मैं और परीक्षित जा रहे हैं. परीक्षित ने मुझे पीछे छोड़ दिया है. वो आगे आगे निकल चुका है. साथ में चलो. हाय परीक्षित. सो हम लोग जा रहे हैं मर्चेंट सिटी और हम लोग बस से जाने वाले. पहले प्लान ये था कि ट्रेन से जाएंगे बट मैंने थोड़ा लेट कर दिया. मेरा कुछ एडिटिंग का काम था. व्हाट हैपेंड? सो दिस इज द बस स्टॉप. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. मैं आगे निकल. सॉरी सॉरी. अभी पहुंचे नहीं. 5 minutes walk from here. We have just reached the central station. पर हम लोग पहुंच गए. हम उतर गए. बस से उतर. ओके
Okay, now we have reached properly. काफी लोग दिख रहे हैं आज मुझे आसपास और काफी भरा भरा लग रहा है. जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इतना भरा भरा नहीं दिखता. कुछ खाया नहीं है तो अभी हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे खाने के लिए. भूख लग रही है मुझे बहुत तेज. हम वहाँ से भी आ सकते थे आपको पता है. हम उतना घूम के आए सी बना के. आज का हमारा लंच है मोर बेकरी से. सो परीक्षित इज हैविंग पेस्ट्री और मैं खाऊंगी चिकन वाला. अच्छा दिख रहा है यम यम. 12 seconds later. नहीं अब मेरा मन ये खाने का हो गया. तुमने भी मन बदल लिया अपना. परीक्षित का पिज्जा तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है. मैं मार लूँ क्या थोड़ा सा. थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा उसका. अच्छा. बेसिकली दिस वन हैज चिकन पोटैटो एंड सम मेयोस इन इट. एक्चुअली इज रियली गुड. इवन परीक्षित को मेरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है. फूड इज डन. I found H&M. तो मुझे देखना यहाँ के H&M और हमारे H&M में क्या डिफरेंस है. परी देयर इज अ फाइनल सेल. लेट्स गो देयर. 4 पाउंड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 400 रुपए. 8 पाउंड इज 800 रुपए के आसपास. कुछ कुछ हजार वाले भी हैं बट मेरी बहन होती तो टूट पड़ती अभी इसमें. परीक्षित पे कितना अच्छा दिख रहा है ना. ये नहीं चाहिए उसको. बोल रहा है ऐसे हिप्पी कपड़े क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे. कितना अच्छा है. रणबीर कपूर जैसे दिख रहे हो तुम. ले लो. हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली. Now this looks like posh area क्योंकि आप लोग देख सकते हो Prada, Burberry, Chanel, Dior also. लोग Starbucks में और परीक्षित भर के जाते हैं और मेरा नाम लिखवा देते हैं शालिनी और लोग मेरा नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते. लिख नहीं पाते. Celine. अब देखते हैं ये लोग अच्छे से लिखते हैं. बीच आइस टी पर शालिनी आ गया. I've never heard this one before. कि आपने कितने सैशे यूज किए हैं जरा बताएंगे. मैं नशे करता हूँ. आप शुगर के नशे करते हैं. अभी मैं यहाँ लाइन बना के क्रेडिट कार्ड से. Would you like to switch, please? ये अच्छा टेस्ट नहीं कर रहा. दोनों का प्राइस भी सेम है. दोस्तों आप लोग ब्राउन कबूतर देख सकते हो. और क्योंकि अब मैं लंदन नहीं मतलब यूके आ चुकी हूँ तो मैं सोच रही थी कि अमरीश पुरी जैसे कबूतरों को आओ आओ और अपने देश की खुशबू. उसके लिए दाना भी डालना पड़ता है. आओ आओ करने से नहीं आते. बहुत खराबी कबूतर होते हैं. कैसे बोल रहे हो जानवरों को. मैंने ऐसे मत बोलो यार. दे शिट ऑन एवरी स्टैच्यू. दैट इज ट्रू. एवरी दैट आई हैव सीन. दैट्स आवर अमरीश पुरी. आई फाउंड अमरीश पुरी गाइस. कितने सारे कबूतर. सुंदर व्यू. हमारा कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है. देखो कितना सुंदर लग रहा है ना. धीरे मत बोलो बैकग्राउंड. कैसे समझ में आएगा क्या बोला आपने. बैकग्राउंड तो बहुत सुंदर है जी. फोरग्राउंड भी सुंदर है. फोरग्राउंड बोले तो हम स्टार. अब मुझे समझ में आ रहा है कि परीक्षित मुझे बोल रहा था कि जल्दी करो क्योंकि यहाँ पे 6 बजे सब बंद हो जाते हैं क्योंकि सारे शॉप्स बंद हो चुके हैं. यहाँ पे वी ओनली कुड विजिट H&M. मुझे न्यू लुक जाना था और आउटफिटर्स जाना था. अभी हम लोग जॉर्ज स्क्वायर में आके बैठे हुए हैं. बहुत कुछ चल रहा है मेरे बैकग्राउंड में. यहाँ पे लोग कबूतर को खाना खिला रहे हैं. बैकग्राउंड में कपल बैठे हुए हैं लोग. लाइव म्यूजिक चल रहा है. काउंटिंग हाउस है यहाँ पे. हम लोग आए थे रात में एक बार खाना खाने के लिए. वहाँ पे बहुत अच्छा इंडियन खाना मिलता है. वो भी चल रहा है. एकदम भीड़ भाड़ वाली जगह है ये. बट इतना भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे बहुत सारे लोग हैं. सुकून वाली फीलिंग आ रही है. और यहाँ पे ना एक दूसरे को लोग देखिए ऐसे जज नहीं करते. एंड दैट्स व्हाट आई रियली लाइक आल्सो अबाउट दिस प्लेस इन एरिया. अभी हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे कॉफ़ी ख़त्म करेंगे एंड देन वी विल हेड बैक होम. मुझे तो बहुत भूख सी लग गई फिर से. तो हम लोग M&S फूड आ गए. M&S फूड गाइस मार्क्स एंड स्पेंसर का फूड सेक्शन भी होता है. ओह एवरीथिंग लुक्स सो शुगरी एंड सो यमी. बने बनाए डोनट्स भी है यहाँ पे. लुक एट दिस वन गाइस. स्पार्कल रेनबो डोनट्स. हमारा एग्जॉटिक मैंगो. इनके लिए तो एग्जॉटिक है. 2.90 200 ग्राम. ये अच्छा लग रहा है. स्ट्रॉबेरी योगर्ट प्लस ग्रेनोला. खाया तुमने. तुमको तो वैसे भी योगर्ट पसंद है ना. गाइस ये कपकेक्स भी कितने सुंदर है. मुझे तो नीचे से खराब दिख रहे हैं ये वाले. नहीं लूं. नहीं नहीं मत लो. ये अच्छी ही टेस्ट करें. ये वाला ले रहे हैं हम लोग. M&S फूड का ही है. 1.95 मतलब 200 रुपए का चिप्स. क्रिस्प्स बुलाते हैं यहाँ पे. चिप्स को क्रिस्प और फ्रेंच फ्राइज को चिप्स बुलाते हैं लोग यहाँ पे. यहाँ पे ना सेल्फ चेकआउट का ऑप्शन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सीरियसली. ये भी इसके लिए स्पून लेना है. हमने रैंडमली डिसाइड किया कि परीक्षित को एक हेयर कट करवाते हैं. एंड दैट्स परीक्षित्स न्यू हेयर कट.
Do you like it? Yeah. 1700 का haircut. 1700. I trust only Turkish or Iranian guy with my hair. So really? Iranian. This one was Iranian. India में कितनी बार haircut हो जाता है आपका 1700? कोई नहीं, अच्छा लग रहा है. चलो. India में तो पैसे भी नहीं लेते मुझसे यार. हाँ. आपकी नर्सिंगपुर में. This is so cool. आप लोग अपना water bottle लेके चलो और पानी खुद भर सकते हो. Wait, let me show you. Just put it right here. हम लोग घर वापस जा रहे हैं. 9:41 हो रहा है, बट लग नहीं रहा 9:41 हो रहा है, ऐसा लग रहा है 6 बज रहे हैं. ये हमारी बस. मुझे बगल में भी व्यू दिख रहा है और सामने भी व्यू दिख रहा है. मज़ा आ गया. और ऐसे बसेस ना मुंबई में भी चलते हैं. थैंक यू. वो अभी रख दो कहीं पे. परीक्षित इज जस्ट अरेंजिंग ऑल माय स्टफ, क्योंकि मैंने उसके रूम की ऐसी की तैसी कर दी. ही इज नॉट लाइकिंग इट. रेडी टू बी मेस्ड अप अगेन. जमा दिया, जैसा मर्जी उसको फैला सकते हैं फिर से. ठीक है, मैं जा रही हूँ परीक्षित के साथ अपनी बहुत पुरानी दोस्त पारुल से मिलने के लिए. आई हैव नोन हर सिंस स्कूल डेज और मैं उससे आई थिंक 13 या 14 ईयर्स बाद मिलने वाली हूँ. आई रिकनेक्टेड विथ हर एक्चुअली ऑन फेसबुक बिकॉज जब मुझे पता चला कि वो यूके में है तो आई आस्क्ड हर टू लाइक हेल्प हर आउट परीक्षित इफ़ ही नीड्स एनीथिंग. एंड देन उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत ऐसे बात होती थी. अभी वो आ रही है अपने हस्बैंड के साथ मुझे परीक्षित को पिक करने के लिए. वी ऑल आर गोइंग टू लॉक लोमंड. सो यहाँ पे लेक को लॉक बोलते हैं इन लोग. सो हम लोग लेक जा रहे हैं बेसिकली. And this is my fit for today. And it's a very good sunny day today. यहाँ पे जैसे सूरज निकलता है ना, लोग इसे बाहर निकल जाते हैं कि चलो घूमते. कोई घर पे दिखता ही नहीं है, सब रोड पे, बच्चे बूढ़े जानवर सब बाहर. मैंने पारुल के लिए गिफ्ट लिया था ना, वो कहाँ चला गया. ओह, थैंक्स, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. वेयर इज द गिफ्ट फॉर पारुल? वेयर इज इट? आई मेड दिस क्यूट सा पाउच फॉर पारुल जिसमें थोड़े बहुत ऐसे सामान मेकअप के डाल के रखे और स्किन केयर भी. आई एम गोना गिफ्ट दिस टू हर. परीक्षित, आपने क्या किया? परीक्षित ने हमें बाहर लॉक कर दिया गाइस. वी जस्ट हैड टू प्रेस दिस बटन. परीक्षित, आप फालतू ही पैनिक कर रहे थे. अरे नहीं यार. पारुल से हाय. गाइस, दैट्स पारुल, दैट्स अर्पित. अर्पित हमें अच्छे से ड्राइव करके लेके आए और हम लोग पहुंच चुके हैं. परीक्षित को तो आप लोग देख चुके हैं. वी स्पॉटेड कैसल, बट फॉर सम रीजन अच्छे से मेंटेन नहीं है ये कैसल. एनीवे, व्हाट, कितना सुंदर है सब कुछ, कितना हरा भरा है. मैं पारुल को बोल रही थी थोड़ी बर्फ पड़ती होगी तो सब कुछ सफेद सफेद हो जाता होगा, तो विंटर में एकदम नानिया वाइब देता होगा ये जगह, है ना. दोस्तों पिकनिक बनाएंगे, लेट्स गो. पहाड़ उतर रहे हम लोग, ऐसा लग रहा है पहाड़ उतर रहे. There are doggos everywhere. Oh my god, doggo. Kitna sundar hai ye lake Lamour. Kitne pyar se doggos khel rahe hain. Leo hota to abhi bhag jata, adrishya ho jata. Mujhe behad thand lag rahi hai. Meanwhile just look at Parul. Summers mein baithi ho. Look at Arpita. Meanwhile Parikshit. Sandal bhi dikha de. Abhi bhi pehen liya. अब मैं वाटर टेम्परेचर चेक करने जा रही हूँ. लोग बोले बहुत ठंडा होगा, ठंडा होगा. मैं तो पता करती हूँ गाइस हाउ ठंडा इज द पानी इज द. अरे नहीं है ये ले बहन. सीन नहीं है. नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. रात के 9 बज रहे हैं, पिकनिक हमारा खत्म हो चुका है, बट आई हैड सच ग्रेट टाइम विद पारुल एंड अर्पित एंड परीक्षित. आई वॉज मीटिंग हर आफ्टर 14 ईयर्स. एकदम 14 साल वनवास वाला फील आ रहा था. बहुत ठंड भी लग रही है मुझे इस वक्त, हवा इतनी चल रही है. पारुल को तो ठंडी नहीं लग रही, अर्पित को भी नहीं लग रही, बट मज़ा आ गया यहाँ पे आगे. एकदम सुकून वाला फील आ रहा है मुझे. अभी लोग भी काफ़ी कम हो चुके क्योंकि रात रात का समय हो चुका है ना, इसकी वजह से. वापस से वहाँ से चढ़ चढ़ के ऊपर तक आए और वो दोनों हमको ऐसे जज कर रहे हैं. चलो पारुल तो फिर भी ठीक है, उसको आदत है भाई. मैं हाय हाय उफ थक गई मैं. व्हाट द हेल. इट्स अ ब्राइट सनी डे. आज हम लोग सिटी सेंटर जा रहे हैं शॉपिंग तो कर. अरे रे हवा आप लोग को कुछ सुनाई दे भी रहा है? इतनी हवा चल रही है. मुझे ना पीरियड्स हो गए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे ही कैफ़े हॉपिंग टाइप का कर रहे हैं हम लोग. वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे पिएंगे. शॉपिंग तो कर नहीं सकते 6 बजे क्योंकि सब बंद हो जाते हैं. अदरवाइज सिटी सेंटर इज़ नोन फॉर शॉपिंग. वहाँ से पूरा चढ़ चढ़ के फिर ऐसे उतरे. परीक्षित इज़ बाइंग टिकट्स राइट नाउ एंड दिस इज़ हिंगलन ट्रेन स्टेशन. गॉट द टिकट.
थैंक यू. हम लोग ने कभी भी आना और कभी भी जाने वाले. वी रीच्ड ग्लासगो सेंट्रल. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मुंबई सेंट्रल. है ना? दिस इज मच लाइक वीटी विक्टोरिया टर्मिनस व्हिच इज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. नाउ बस स्टेशन से बाहर निकले एंड दिस इज द कॉफी हाउस दैट वी फाउंड जहाँ पे हम लोग कॉफी पीने वाले. कितना सुंदर, मतलब मैं इतनी बार कितना सुंदर है बोल चुकी हूँ यहाँ पे कि इट्स अनलिमिटेड. लेट्स गो. लेट्स मी चॉकलेट मफिन लिया है. हाउ इज योर सिनेमन बन? सिनेमन बन टेस्टी. लास्ट बचा था ये. आई आल्सो वांट टू टेस्ट इट. वाकई बहुत अच्छा है ना. इंडिया में भी खाया पर ऐसा नहीं खाया मैंने. परीक्षित, मुझे वो सिनेमन आप ये मफिन्स एक्सचेंज करेंगे प्लीज? अरे ज्यादा मीठा नहीं है. हम लोग का कॉफी हो चुका है, अभी हम लोग ज़ारा जा रहे हैं. एंड दिस स्ट्रीट इज सो ब्यूटीफुल गाइस. मिचेल स्ट्रीट. कितना सुंदर है यहाँ तो. मैंने फोटो खिंचवा ली परीक्षित को बोल के दो तीन. देयर इज ज़ारा. मस्त सेल चल रहा है इसमें. यहाँ पे देखो 1599, मतलब 1500 के आसपास. लुकिंग सो नाइस. गिविंग कोरियन वाइब एकदम. यस, गिविंग कोरियन वाइब. अरे निकाल दिया, जैसे कोरियन बोला निकाल दिया. वेरी सैड. मैंने बॉय सेक्शन में अपने लिए ये वाला शर्ट उठा लिया है. इसमें लिखा इमोशनल डार्क साउंडट्रैक. समटाइम्स माय लाइफ वुड बी लाइक दिस. हमने ज़ारा से शॉपिंग कर ली, काफी अच्छा खासा डील मिल गया हमको. एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्राइमार्क. मैंने बहुत सुना है इसके बारे में. दिस इज अ पिलग्रिमेज साइट फॉर एशियंस, स्पेशली इंडियंस एंड पाकिस्तानी. रियली? लेट्स गो. एक अलग से विंटेज कलेक्शन है भाई साहब. लुक एट दिस, इट्स सो बिग. That's what she said. एकदम बच्ची बन गई मैं यहाँ पे आके. करेंगी कुछ ना कुछ. These are so nice. इसमें ना inbuilt bra आता है and I think S is my size. I'm gonna get this. नाना करते करते मैंने बहुत कुछ उठा लिया और ट्राई कुछ किया नहीं है. एकदम साइज का मुझे अंदाजा है थोड़ा बहुत. एंड आई थिंक आई विल बी एबल टू एक्सचेंज इट इफ समथिंग डज नॉट फिट मी. ये कितना क्यूट आईलैश कलर है. इवन दो आई ऑलरेडी हैव आईलैश कलर बट इट्स सो क्यूट. आई एम गोना गेट दिस. मुझे मेकअप रिमूवर चाहिए था. आई फाउंड दिस माइसलर वाटर सेक्शन. जेंटल ब्रांड. ब्रांड का नाम जेंटल है. प्राइमार्क से शॉपिंग हमने कर ली है. अभी हम लोग रिवर साइड जा रहे हैं. मैंने शॉपिंग में, हम दोनों ने शॉपिंग में मिला के कुछ 15,000 खर्च कर दिया. Made it to Clyde River. बहुत सारे सीगल्स हैं यहाँ पे और ये सीगल्स ना किसी के ऊपर भी टट्टी कर देते तो बीवेयर ऑफ सीगल्स यहाँ पे. और आपका खाना चुरा के आपके हाथ से ले जाते हैं ये लोग. Kids were giving them food, इसलिए इतने खुश हैं ये लोग. देखो Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Okay, so we are going to Paradise Street Food to have some food. हमने दोपहर का कुछ खाना खाया नहीं था and they seem quite reasonable as well. परीक्षित को शौर्मा दिख गया. कहाँ है शौर्मा? या शौर्मा दिख गया तो यही खाएंगे हम लोग. शालू तुमको शौर्मा खिलाते. आ जाओ, तेरे को शौर्मा. आओ. मैं ना कॉलेज के टाइम पे अपना लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइजर लेके जाया करती थी और अब देखो परीक्षित को. आई हैव ट्रेन्ड हिम सो वेल. सब कुछ है मेरे पास. एक्स्ट्रा टिश्यूज है. रात के 10 बज चुके हैं. हमारा खाना बहुत ही अच्छा और टेस्टी था. परीक्षित को तो मजा ही आ गया. अरबिक खाना जिंदाबाद. हाँ, बहुत टेस्टी था. और हो सकता है हमको बहुत भूख भी लगी थी. बट एनीवे हम लोग घर जा रहे हैं. और यहाँ पे ना हमेशा रात 10-11 बजे तक इतनी रोशनी रहती है क्योंकि अभी समर चल रहा है. बट विंटर के टाइम पे 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है यहाँ पे. The next day. It's a new day. हम लोग ने अभी ब्रंच किया
और मैं और परीक्षित इस वक्त जा रहे हैं नेक्रोपोलिस. वहाँ पे वो मुझे ग्रेवयार्ड दिखाना चाहता है एंड ही सेइंग इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यू शुड डेफिनेटली सी. 200-400 साल पुराने ग्रेवयार्ड है वहाँ पे. एंड मैंने कहा मुझे नहीं देखना, मुझे भूतों से डर लगता है, मुझे ग्रेवयार्ड से भी डर लगता है. हिस्ट्री पीपल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन ग्लासगो. वहाँ पे ग्लासगो कैथेड्रल भी वही है. कैथेड्रल हम अंदर तो नहीं जा पाएंगे अभी क्योंकि 5 बजे बंद होने वाला है, बट इट्स अ नाइस एरिया, लॉट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, इट्स पार्ट ऑफ ओल्ड टाउन. और ये मुझे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम भूत को मार देंगे, तुम्हें हनुमान चालीसा तो आती होगी. This cathedral is so beautiful. Gothic vibe आ रहा है इसका. Those are the graves. हमें वहाँ जाना है. I also got one flower. Grave के बाहर रखने के लिए. Graves के बाहर. That was the cathedral and these are all the graves. और मैंने realize नहीं किया until I saw the writings वगैरह. And Parikshit is saying it's okay. Everybody is going and that's the way. और फिर भी बहुत पुराने पुराने देखे मैंने graves. 1500 के भी है. 500 years old. अच्छा नहीं लगा मुझे उसके थ्रू चलना. हम कोई और रास्ते से जाएंगे. हम लोग पढ़ रहे थे दिस ब्रिज इज कॉल्ड द ब्रिज ऑफ साइज, व्हिच इज द ब्रिज बिटवीन टाइम एंड इटर्निटी. सो वी आर क्रॉसिंग दैट राइट नाउ. हम अभी वो वाले ब्रिज से आए थे. थोड़ा बहुत ग्लासगो शहर भी दिखता है. गाइस लुक एट दिस ग्रेव, इट्स सो ह्यूज. और फूल भी उग गए हैं उनके ऊपर. किनका है ये? विलियम मैकगिविन. ही वाज अ स्कॉटिश बिजनेसमैन एंड रिलीजियस कंट्रोवर्शियलिस्ट. कंट्रोवर्शियल फिगर थे. It's a very sad place to be in, but it is actually very beautiful. Some of the graves that I saw are really, really old. और उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ भी रहे थे. This is part of the old town. This is part of history now. And that is true. I wanted Bashalu to come here to visit this because this is an experience in its own and this is different. This is one of the most well-preserved cemeteries in the world. Let's dedicate this to the Pyar. Yeah. Started raining. We are going back. I don't know what I feel about this place. I'm not sad or happy. I'm just here and I got to see the part of history. This is one rose, last rose I have. I'm just gonna put this in the exit gate. Dosto, it's raining really bad. मतलब मेरे लिए तो bad ही लग रहा है ये परीक्षित. It's like इतना तो होता है ये glass को. ये तो कुछ भी नहीं. So we are looking for cafe. Found a cafe. We are going to Purple Cafe. Samne tha. Is it open? Yeah. Parikshit ka popat ho gaya. Usne aise khola aur yahan pe chain lagi thi. Yahan pe. Aapka popat ho gaya. Aapko kaisa lag raha hai? Google ne popat banaya. Shows the place is open 8:30 but it's closed. We are in the hunt of new cafe now. Thodi barish ab kab ho chuki hai isliye maine hood nikal diya hai. ये मैंने परीक्षित का एक्चुअली बोरो किया उससे, क्योंकि मैं जो लेके आई थी उसमें सर पे हुड नहीं था, विच मेड नो सेंस टू वेयर. ऊपर से नीचे तक तो मुझे वो प्रोटेक्शन देता, पर मेरे सर का क्या होता? मैं बताता. मैंने फोन पे पूछा, शालू आर यू वेयरिंग एनी वाटरप्रूफ जैकेट? शी वाज लाइक यस. कैरिंग, नॉट वेयरिंग. हां, आर यू कैरिंग एनी वॉट? वो वाटरप्रूफ तो था पर उसमें हुड नहीं. सिर ही नहीं बच रहा है तो फिर घुटने बचा रहा था वो, सिर नहीं. मुंडी बचा के क्या करती मैं? आउटफिट प्रोटेक्ट करो. तो अच्छी बात है कि आई हैड दिस. वी फाउंड अ कैफे, द इटालियन कैफे इन नॉटिका. इस रोड पे ही लेन पे काफी सारे कैफेज और बार्स वगैरह हमने देखे. यहाँ पे बार और कैफे एक ही जगह होते हैं. हमने बस एक ही कॉफी ली. अभी बारिश भी बंद हो चुकी है. इतना अच्छा लग रहा है ये स्ट्रीट. गॉड ब्लेस यू. अच्छी कॉफी मैंने वो लिया है, माचियाटोस. माचियाटोस more coffee with less milk.
क्वांटिटी कितनी सी है ये जो स्टेशन पे चाय नहीं मिलती इटालियंस ने हमें टपरी वाली चाय पिला दी या लुक एट दिस मिरर वाओ कितना सुंदर है और यहाँ पे ना ऐसी बीज होती है देखो कितनी बड़ी वाली बनाई है मोटू बी 100 रुपए का लेस क्या है 1.15 100 रुपए से ज्यादा 120 रुपए क्या है लेस भी नहीं वॉकर से ये लेस जैसे दिखते हो तुम मेरी आत्मा मेरी इंडियन आत्मा इज क्राइंग सो वी जस्ट टुक वन डार्निश सिनेमन वॉल ठीक है ऐसे लेके भाग मत जाना वी हैव टू पे फॉर इट वी ऑल्सो गॉट दीज आर माई पीरियड क्रेविंग यहाँ के सिनेमन रोल्स बंस जो भी है You're so good. So, जो ग्रोशरी स्टोर से लिया मैंने ये So good. 2 days later. मैं और परीक्षित रेडी हुए हैं पोलक पार्क जा रहे हैं वहाँ पे ना क्यूट क्यूट सी फ्लफी फ्लफी गाय होती है तो कल हम लोग उनके लिए गाजर खरीद के लेके आ और हम उनको गाजर खिलाएंगे एंड पार्क के आसपास म्यूजियम भी है तो वहाँ भी घूमेंगे परीक्षित आप भी कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं बैकड्रॉप की तरह खड़े मत रहिए He is getting like, चलो जल्दी करो मैंने कहा चलो इट्स स्लाइटली ड्रिजलिंग टुडे और हम लोग ने ना आज कैब की है वैसे अगर हम वाया ट्रेन जाते तो 550 के आसपास लगते इंडियन करेंसी बट क्योंकि थोड़ा लेट चल रहे हैं आज इसकी वजह से हम लोग ने कैब की है 1700 के आसपास लगेंगे पैसे टू पोलक पार्क मैंने आते से फ्लफी फ्लफी गाइस भी देख ली अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ खाएंगे क्योंकि लंच नहीं किया है काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं दिस इज ब्यूरल कलेक्शन यहाँ पे ये म्यूजियम भी है लुक एट दिस गाय सो क्यूट ओह इट लुक्स लाइक बुफे सिस्टम बट यहाँ से उठाओ और वहाँ पे पे करो नाइस सो हम लोग ब्यूरल रेस्टोरेंट पे इस वक्त मैंने एक रेसबेरी लेमन पिस्ताशियो पेस्ट्री ली है अच्छी दिख रही है सो मेरा चिकन सैलेड इज हियर विथ माई फ्लैट वाइट कॉफी और ये तो हम लोगों ने टेस्ट कर लिया परीक्षित इज हैविंग लाटे एंड उसका सैंडविच प्लस सम साइड सैलेड हमारा खाना पीना हो चुका है हम लोग बस म्यूरल घूमने आ गए लुक एट दिस टिंटेड ग्लासेस बहुत पुराने हैं ये 1525 1470 कुछ मार्केट सा भी लगा है यहाँ पे क्यूट मार्केट दे आर सपोर्टिंग एलजीबीटीक्यू लाइव्स We are going to explore the museum first. Because my pass 1 hour is now. We are entering it. Ooh. These are so old. Kitne purani purani rakhi unhone. The dude is showing a middle finger. Yeah, he is. Like, look at my arm. This is like almost 2000 years old. Wow. Maine aise telephone dekhe hain kahin kahin pe. But use nahi kiya kabhi. सो दिस इज़ द लेडी और ये इनका सारा सामान है और बहुत ही पुराना है दिस इज़ फ्रॉम 1920s जिस आईने में अभी आपने अपने आप को देखा पता है कितना पुराना है 1800 का है सब कुछ तो आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ पे बट आई वाज जस्ट रीडिंग अबाउट दीज टू दे आर 1000 years old गाइस 1000 years old इफ यू लुक एट हर आईज इट्स लाइक शी इज फॉलोइंग यू वाओ म्यूजियम बहुत अच्छा था बट उन्होंने बोला जल्दी चलो जल्दी करो और इसे निकाल दिया वो लेट नहीं कर रहे थे हम लेट ठीक है आई एग्री बट अच्छा था अभी हम लोग जा रहे हैं गाय को खाना खिलाने एंड वी आर जस्ट एंट्रिंग गाजर खिलाने एंड वी आर जस्ट एंट्रिंग राज मूवी का सेट लुक एट द बैकग्राउंड लाइक इट्स सम हॉन्टेड वाली फील दिला रहा है इट्स सो हर पीसफुल फॉरेस्ट ट्रेल तुम्हें हॉन्टेड क्यों लगता है भूत क्यों आ जा रहे हैं इट्स क्वाइट पीसफुल इट्स फॉरेस्ट ट्रेल इट्स अ फॉरेस्ट ट्रेल इट्स क्वाइट इट्स पीसफुल यस प्यारी है आज हमारे पास गाजर है आज छोटे वाले को भी ले आती हमारे पास गाजर है देखो गाजर है मैं भी दूंगी एक मुझे भी दो डर लग रहा मुझे तुमसे डर डर की दे रही हूँ मैं तुमको
Look at its nose ring. What a handsome guy you are. हमने गाय को चारा खिलाया. चारा नहीं गाजर. गाजर. हालांकि यहाँ लिखा नहीं खिलाना है. हम लाए थे तो थोड़ा बहुत खिलाए. थोड़ा बहुत आज उनका डाइट, आज उनका चीट डे था. हमने स्पॉइल कर दिया. स्पॉइल कर दिया. Who painted our background? Who painted this? Look at this. Look at this. Look at our background. Oh my God, so sundar. We are Bollywood. If you have not discovered this place, this is the Raichand house. wrongly named as the Pollock house. the Raichands used to live here. और ये चांदनी चौक में. कुछ अच्छा अच्छा लोकेशन है बॉलीवुड सॉन्ग फिल्म करने के लिए. एकदम साड़ी वाड़ी में मजा आ जाएगा. वी जस्ट वॉक्ड दिस फॉरेस्ट ट्रेल एंड व्हेन आई जस्ट मूव अ लिटिल लेफ्ट दिस इज द गोल्फ कोड. वहाँ पे लिखा भी है बी वेयर डेंजर गोल्फ एरिया कोड. मुझे लगा डेंजर बोल के कुछ ऐसे बताएंगे कि उधर ही क्या है, पर ओके बॉल लग सकता है और कहीं से भी आ सकता है दूर से. वो दोनों पक्का कपल है. वो दोनों वहाँ देखो गाय दूध पी रही है. बाय गाइस. We're gonna be two hearts running wild.